देखें पेरेंट डे हमने रखा है यहाँ पे और ये पहला पेरेंट डे है आपका ये और इसको बहुत कारामद इसलिए होना चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि अब आपके बच्चे यहाँ पर अगले 6 वर्षों तक पढ़ने वाले हैं। 6 वर्षों तक यानी 10वीं जमात कामयाब होने तक इंशाअल्लाह आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले तो ये कि जो एतमाद आपने हम पर जाहिर किया है जताया है मैं उसके लिए आपका दिल गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस स्कूल को अपने बच्चे की 6 बरस की तालीम के लिए चौथी के बाद चुना मुंतखब किया। तो पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ कि आज पहले जब पेरेंट डे हुआ तो हमने आपने तो बहुत संजीदगी से लिया और हमारी दावत पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमको जो कम्युनिकेशन आपसे करना है जो रास्ता हम आपके साथ बनाना चाहते हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि मजबूत बनेगा क्योंकि पहली मीटिंग में आप लोग पूरे जोश के साथ में हाजिर हुए। आप कहेंगे कि हम बच्चों को क्यों बैठ दिखाया हमने सैटरडे है और पढ़ाई तो अभी 12 बजे तक हो चुकी लेकिन बच्चों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है और अभी ये सिलसिला पहला दिन नहीं है ये पिछले हफ्ते से ये सिलसिला जारी है जिसमें हमने पहले 10वीं जमात के अच्छे तलबा को बुलाया था उनके वालिदैन को उनके साथ भी बिठा के हमें बात की फिर 10वीं जमात का जो भी पेरेंट्स थे जिन्होंने डिवीजन का अलग अलग लिया फिर 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं क्लास और आज अब 5वीं क्लास के ऊपर पहुंचे इस तरकीब आपको बताया ना। मैं खुद पर्सनली प्लानिंग मेरी है कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली आके अपने सारे जो मेरे में काम होते हैं वो एक तरफ रख के मैं ये बात करना जरूरी समझता हूँ सभी पेरेंट्स लेकिन आज का जो दिन है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप शायद आज पहली मुलाकात में एडमिशन का हुआ काम फीस के लिए आप आए जमा कर दिया फॉर्म जो मालूम आपने मंगवाई गई वो आपने दे दी लेकिन आज बाकायदा उस मुनासिबत से आप आए हैं कि आप आपको बुलाया गया है कि बात करने के लिए। तो मेरे भाइयों और बहन आप आए तो मैं कुछ बातें अर्ज कर दूँ। तो ये है कि जैसे अभी एडमिशन हो गया सब हो गया जो आपको यहाँ के मामला थे वो शॉर्ट में पहले एडमिशन के वक्त की बच्ची तक कर दी थे और स्टार्टिंग सर्वे कर दिए हमारे तो देख रहे थे मामला इन्होंने देखा भी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वो मामला हुआ है। अभी भी अगर जगह एडमिशन हम दे रहे हैं आ रहे हैं हमारे पास लेकिन अब क्योंकि तालीम का अमल शुरू हुए तकरीबन के बल्कि पूरा 1 महीना हो गया पिछले 10 जून को स्कूल शुरू हुआ था और आज 12 जुलाई है तो 13 जुलाई तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी पढ़ाई भी हो चुकी है। तो मामला को जो नए साल में हमको रेगुलराइज करने होते हैं उनकी तरबियत करनी होती है उसमें भी हमने शुरू कर दी और उनसे दुरुस्ती भी पाई है लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये तो सिलसिला हमारा जो हमारी ड्यूटी के ताल्लुक से वो जारी रहेगा साल के आखिर तक भी और जब तक आपका बच्चा यहाँ रहेगा उस वक्त तक आप पाएंगे कि हमने वो काम छोड़ना नहीं है बल्कि करते रहना है मुसलसल। तो इन सारी जिम्मेदारियों में जो हैसियत स्कूल के हैसियत हेडमास्टर की हमारे जितने हैं अखलाकी तौर पर भी और वो हुकूमत के रबते के तौर पर सारी इंशाअल्लाह हम पूरी करेंगे। इसके बारे में आप बिल्कुल यकीन रखें कि आपके बच्चे के साथ में उन मामला में कोई भी कमी या नाइंसाफी नहीं होगी लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी भी कोशिशें कर लें कितनी मनसूबाबंदी कर लें लेकिन वो कोशिशें वो मनसूबाबंदी फेल हो सकती है अगर हमको वालिदैन का ताउन नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी भी कोशिशें करें हम सबसे अहम जो चीज उसमें छूट जाता है वो वालिदैन है। किस तरह से आप बच्चे के दुनिया में आने का सबब बने हैं वालिदैन बिल्कुल उसी तरह से उसकी परवरिश उसकी तरबियत और उसको पास पोस कर एक अच्छे इंसान के रूप में बदलने और बड़ा करने का सबसे अहम दरिया भी वालिदैन। और ये मैं नहीं कह रहा कि हमारा दीन सिखाता है इस पर हम अमल करते हैं जिसको हम मानते हैं नबी की और हमारे मालिक की
हैसियत हमको जो मिली है कुरान मजीद के जरिए, उसमें वालिदैन का दर्जा बताया गया है कि वालिदैन जो है वो बच्चे की जिंदगी में क्या उनका क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। तो हम आपको समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हाँ, हम हमारे रोल को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा रोल क्या है आपको वो भी हमें के बहू को मैं यहाँ पर बताऊं कि उस्ताद जो है वो माँ बाप के दर्जे पर, यानी अब मैं आपके सामने वही बात कर रहा हूँ कि भाई आप इस तरह से जो दर्जा आपका है वही दर्जा हमारा भी इनके लिए है, वही मकाम हमारे हमारा भी इनके लिए है। तो इसलिए हम तो अपनी जिम्मेदारियां बराबर निभाएंगे, पूरी एक एक काम करेंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई पेशरफ ना हो, आपकी तरफ से कोई हमारी बात जो तौर हम लगाते हैं बच्चों से उनमें सपोर्ट ना मिले, तो क्या वो कोशिश से कामयाब हो गए? नहीं। साफ तौर पर आपको खुद अंदाजा है कि हम चूंकि हमारे पास ये बच्चा 5 से 5.5 घंटे बहुत ज्यादा रहेगा, चूंकि 5.5 घंटे अब सारा वक्त कहां पर जाने वाला है, बाकी घर पर तो कई चीजें सुबह से लेकर 7 बजे से पहले स्कूल शुरू हो जाता है, दुआ हो जाती है, उसके बाद अटेंडेंस होती है, पढ़ाई का अमल शुरू किया जाता है असाध्यता के जरिए, हेडमास्टर के जरिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट और ऐलानात और तरबियत वो सब होती है, सुपरवाइजर हेडमास्टर जाकर सब मामला को देखते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन 5.5 घंटे बाद जो बच्चा फिर से उसी माहौल से जाकर मिल जाता है जहां पर वो बहुत कुछ ऐसी मामला को देखता और सुनता है और उससे उसका सामना पड़ता है जो बहुत ही मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में उसको माहौल फराहम नहीं, कई बार आप उसको माहौल फराहम भी करते हैं, वाले उसके हर बात का ख्याल रखते हैं कि गलत तो नहीं कर रहा और रखना ही चाहिए, लेकिन रखने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपके घर का माहौल सही है लेकिन आपके बाजू में क्या हो रहा है पर आपका कंट्रोल नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि क्या वो माहौल पर ठीक है, हम मानते हैं कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके बच्चे पर तो आपका कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कितनी गालियां, कितने बुरे अल्फाज दिन भर में सुनते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं पूरा यकीन है कि आप जैसे जिम्मेदार अपराध ये मेरी बहने की मेरे भाई बहने इन चीजों का बिल्कुल ख्याल रखते होंगे, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं देना चाहता, तो पूरा एहतसाब के साथ के लिए उसको जवाब दे दिए नहीं अल्लाह ताला ने। और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तो जो अगर मैं नाकाम हुआ वाले बच्चों की तरबियत में, तो जो मेरा हाल दुनिया में होगा शर्मिंदगी दूसरों के सामने वो तो होनी है, लेकिन मैं जब अपने अल्लाह के सामने जाऊं तो वहां भी मुझको शर्मिंदगी और जवाब दिए कि वो मुझसे पूछेगा तुमने अपने औलाद की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से क्यों नहीं की थी, क्यों उनको वेस्ट कर दिया, ये बहुत बड़ा वसीला है, बहुत बड़ा बड़ा जरिया है किसका आगे दुनिया को बढ़ाने का और साथ ही साथ तरक्की का, दुनिया की तरक्की जो है वो आगे आने वाली नस्लों के जरिए होती रही है। तो फिर हम उस वसीले को वो उस मींस जो होता है हमारे पास में उसको वेस्ट कैसे कर सकते, मेरा ये सवाल बहुत है। और उसी का क्योंकि ये सब जो सुकून उसका मजवर और उसका मरकज ये छोटे छोटे बच्चे, ये फूल के मालिक ये बच्चे, अगर ये वेस्ट हो गए कल तो फिर कल जवाब नहीं किसकी असाध्यता बोलकर छूट जाएंगे कि भाई हम तो हमारे पास 5 घंटे बच्चे थे, वाले छूट सकते हैं क्या, उनको छुट्टी मिलेगी क्या, क्या क्या होगा उनका जब लोग बोलेंगे कि यार तुमने कैसे तरीके बच्चे को जो भी बड़ा कर दिया, ना जबान सही है, ना उसका किरदार सही है, ना उसके अदब अखलाक सही है, ना वो बड़ों को तमीज से पेश आता है, ना वो कहीं पर सही है, ना वो मिजाज के एतबार से सही है, ना वो आदतों के एतबार से सही है, तो फिर उस पर हम जवाब क्या दें? ये जवाब नहीं बहुत बड़ी और इसी के लिए हमको आज काम करना, हम जैसे यकीन दिला रहे हैं आप कि अगले 6 वर्षों तक इंशाअल्लाह इनके छोटे छोटे मामला को हम हर तरह से तरबियत करने की कोशिश करेंगे, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन ये हमारे अकेले की बुनियाद पर अकेले के बल पर मुमकिन नहीं, अकेले के बस में नहीं है ये तब्दीली लाने। इनका सबसे अहम रोल तरबियत में तो वालिदैन का, और उसको कंट्रोल में लाना वो आपके हाथ में। मेरा ऐसा ख्याल है कि वालिदैन वो जिम्मेदारियां जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो